चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा। राई हलके से भारी संख्या में युवा कांग्रेस सदस्यों ने आज नफरत, हिंसा, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मौजूदा केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए दिल्ली के जंतर मंत्र के लिए कुछ किया। यूथ कांग्रेस राई की ये टीम जंतर मंत्र से यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निवास बीवी के नेतृत्व में संसद घेराव करेंगे। इस दौरान हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में PCC डेलीगेट जसपाल अंतिल के साथ राई हल्के के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विशाल चौहान, उनकी कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष प्रवीण खापरा, अमित दहिया, राम सिंह जंगाला उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस SC सेल, जयदीप दहिया हल्का महासचिव यूथ कांग्रेस, आकाश जोगीनाथ हल्का महासचिव यूथ कांग्रेस, रोहन रंगा हल्का महासचिव युवा कांग्रेस SC सेल, सचिन कश्यप हल्का महासचिव युवा कांग्रेस BC सेल, अमर अंतिल हल्का महासचिव युवा कांग्रेस, प्रशांत पंडित हल्का महासचिव युवा कांग्रेस, मुकुल दत्त हल्का महासचिव युवा कांग्रेस, रोहित त्यागी हल्का महासचिव युवा कांग्रेस, संदीप चौहान हल्का महासचिव युवा कांग्रेस, युवा नेता इंद्र बरोली व अन्य मौजूद रहे। इस दौरान PCC डेलीगेट जसपाल अंतिल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि संसद के घेराव के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निवास बीवी की अगुवाई में भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर मौजूदा सरकार की नफरत, हिंसा, महंगाई और बेरोजगारी जैसी नीतियों के खिलाफ जंतर मंत्र पर प्रदर्शन करते हुए संसद का घेराव करेंगे और मौजूदा सरकार को संसद छोड़ने का संदेश देने का काम करेंगे। आज हमारी जो न्यू चयनित यूथ कांग्रेस की पूरी टीम, भाई विशाल चौहान जी जो हमारे हल्का युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके साथ जितनी भी हमारी टीम है, इंद्र बडोली महासचिव है, अपने प्रवीण खापरा जी हैं, हमारे राम जंगाला जी हैं, रोहन जी हैं, अमित दहिया जी हैं, पूरी की पूरी टीम आज संसद घेराव के कार्यक्रम के लिए दिल्ली पहुंच रही है जंतर मंतर पर, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के श्रीनिवासन बीवी जी के नेतृत्व में। जिस प्रकार से 8 तारीख को मतलब एक भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में मनाया जाता है, उसी प्रकार से आज हम जो ये सरकार है, जो मतलब लोग इस सरकार से त्रस्त हैं, बेरोजगारी फैली हुई है, आज हम कह रहे हैं भाई ये सरकार भी छोड़ो संसद। इस दौरान जसपाल अंतिल ने 2024 के चुनाव में उम्मीदवारी के सवाल पर कहा कि उम्मीदवारों पर हाई कमान का जो फैसला होगा वह सबको मंजूर होगा। 2024 का चुनाव साफ नजर आ रहा है कि कोई युवा उम्मीदवार भी राहुल को मिल सकता है, वो जो हमारे हाईकमान का जो भी फैसला होगा उस हिसाब से होगा अगला चुनाव। जगत महान न्यूज के लिए राय से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।